भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए अपने करीबी शिवलिंग में जाएं, वहां जलाभिषेक की करें। सोम अर्थात चंद्रमा, जिसे भगवान सोमेश्वरनाथ भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए इस सोमवार सावन का विशेष महत्व हो जाता है। अभी हम अरेराज धाम, जो प्रसिद्ध धाम है, यहाँ माननीय मोहन रविशंकर गिरी जी के पास मौजूद हैं। मोहन जी से जानेंगे मंदिर के बारे में और ये आखिरी सोमवारी के बारे में। आज आखिरी सोमवारी के अवसर पर भक्तों का जनसैलाब आपके समक्ष है और इस अवसर पर भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए अपने करीबी शिवलिंग में जाएं, वहां जलाभिषेक की करें, महामृत्युंजय मंत्र जप करें, जिससे आपके समस्या जीवन के सभी समस्याओं का समाधान, शोक संताप का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा किसी को शनि का प्रकोप है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। और विशेष रूप से आज सोमवार का अवसर है, सोम अर्थात चंद्रमा, जिसे भगवान सोमेश्वरनाथ भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए इस सोमवार सावन का विशेष महत्व हो जाता है। मोहन जी, मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे। भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में अरेराज चंपारण में स्थित हैं। प्राचीन काल से भगवान यहाँ हैं और हर युगों में देवी देवता, राक्षस, गंधर्व, सभी योनियों के लोगों ने अपने कल्याण के लिए भगवान के दरबार में जलाभिषेक करके अपने मनवांछित वर की प्राप्ति की है। मोहन जी, ये जो अभी जो सावन का महीना चला है, ये मतलब प्रशासन से और जो भी मदद मिलनी थी मंदिर प्रबंधक को, क्या सब मिली है? देखिए, भक्तों की सेवा के लिए मंदिर प्रशासन के साथ स्थानीय सैकड़ों लोगों के टीम बना करके और आरएसएस के एक विंग है विश्व हिंदू परिषद, उनका भी सहयोग लिया गया है। इसके साथ आपका जिला से पुलिस और प्रशासन के कई सैकड़ों लोगों की प्रतिनियुक्ति हुई है। इसके अलावा हमारे अरेराज अनुमंडल में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अनुमंडल के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र में किया गया है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। इस साल जो है कोरोना के बाद, जो लंबे समय के बाद मंदिर का मतलब सावन का महीना हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें लमसम कितने लोग आ चुके होंगे? लगभग अब तक लाख लोग जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी से शाम तक देखना होगा कि कितने भक्तगण जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि अभी लगभग 8-6-7 घंटे का समय जलाभिषेक में और है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोहन जी से हम बात कर रहे थे, जो मंदिर के बारे में और सारी चर्चाएँ चली, इसमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो है आखिरी सोमारी है, जो बहुत धूमधाम से, जो आवाम आपको दिख भी रही है, जो बहुत धूमधाम से सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी जो मन्नतें हैं उसको लेकर के अपनी मुरादें भगवान के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। जय हिंद।